भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, परिति भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह धर्म नगरी वृंदावन आए। बुधवार सुबह जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एवं प्राचीन श्री राधा बल्लभ मंदिर पहुँचे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ठाकुर जी के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर पुण्य कमाया। पत्रकारों से मुखातिब हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि उन्होंने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में पानी दिए जाने एवं पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने उन्हें खारे पानी की समस्या से अवगत कराया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि खेतों में समय से और पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे तथा लोगों को स्वच्छ व मीठा पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं वृंदावन में माइनर पर अवैध कब्जे के प्रश्न पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस बारे में जानकारी की जाएगी। रात में मैं गया था नहरों का टेल का पानी देखने, पहली बार उधर किसान रात को 12 बजे गया, नहर चल रही थी। गांव के किसानों ने कहा जो खारा पानी उधर आता है उनका नल नज़दीक में चल रहा था, यानी वो पानी मीठा लग रहा था, उनको लोग पी रहे थे। बस के यात्री भी रात में शादी वाले आ गए, 3-4 बस वाले वो भी खड़े रहे टेल पर। बाकी थोड़ी कमियाँ भी है देखा मैं रात में, उसको भी मैं कहा हूँ कि इसको ठीक करना है और किसानों के खेत तक पानी पहुँचना चाहिए और स्वच्छ पानी इनको पीने को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर और ब्रिज मंडल का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि तालाब भरे जाएँ, बाकी नदियाँ स्वच्छ रहे, यमुना मैया स्वच्छ रहे, इसके लिए भी हम लोग। एक वृंदावन माइनर आती है भाई साहब, माइनर आती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिसको भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, जिससे पूरे वृंदावन के कुंड भरे जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं पता करता हूँ। इसको जाँच बैठाएंगे? नहीं, पता करता हूँ।